हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असम डीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन की फोर्थ थियरी हिस्ट्रोजन लेयर थियरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्रोजन लेयर थियरी को पढ़ने से पहले हमने तीन थियरीज कवर की है। कौन कौन सी तीन थियरीज हमने पढ़ ली है? एपिकल सेल थियरी के बाद में हमने हिस्ट्रोजन थियरी को पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ट्यूनिका कार्पस थियरी को कवर किया है। कौन कौन सी तीन थियरीज हमने कवर की है? एपिकल सेल थियरी, शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशंस की। हमने चार थियरी की बात की थी, जिसमें से एपिकल सेल थियरी फर्स्ट थियरी, सेकंड हिस्ट्रोजन थियरी, थर्ड ट्यूनिका कार्पस थियरीज जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर ली है। आज हम फोर्थ हिस्ट्रोजन लेयर थियरी के बारे में बात करेंगे। किसकी? हिस्ट्रोजन लेयर थियरी की। हिस्ट्रोजन लेयर थियरी किसने दी थी, किसने प्रपोज की थी हिस्ट्रोजन लेयर थियरी? हिस्ट्रोजन लेयर थियरी प्रपोज्ड बाय डर्मन। किसने? डर्मन ने। कब दी थी? 1947 के अंदर। कब? 1947 में डर्मन ने हिस्ट्रोजन लेयर थियरी दी थी। हिस्ट्रोजन लेयर थियरी जो है हिस्ट्रोजन थियरी का मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका? हिस्ट्रोजन थियरी का मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हिस्ट्रोजन थियरी। हिस्ट्रोजन थियरी का मॉडिफाइड फॉर्म है कौन? हिस्ट्रोजन लेयर थियरी। तो हिस्ट्रोजन थियरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हिस्ट्रोजन थियरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि शूट के एपेक्स के ऊपर थ्री मेरिस्टेमेटिक जोन्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? शूट के एपेक्स के ऊपर थ्री मेरिस्टेमेटिक जोन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? तीन मेरिस्टेमेटिक जोन्स होते हैं। कौन कौन से तीन मेरिस्टेमेटिक जोन्स हमने पढ़े थे? हमने पढ़ा था डर्मेटोजन के बारे में, पेरिब्लेम के बारे में एंड प्लीरोम के बारे में। कौन कौन सा? डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। डर्मेटोजन कौन सा मेरिस्टेमेटिक जोन था? आउटर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक जोन था वो है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन क्या फॉर्म कर रहा था? डर्मेटोजन जो है वो किसे बनाता है? एपिडर्मिस को। इसको लेबल कर ले हम। फर्स्ट कौन सा जोन है? डर्मेटोजन। डर्मेटोजन क्या बना रहा था? डर्मेटोजन एपिडर्मिस को फॉर्म कर रहा था। किसे? एपिडर्मिस को फॉर्म कर रहा था। सेकंड हमने देखा था, सेकंड मेरिस्टेमेटिक जोन कौन सा था? पेरिब्लेम। कौन सा? पेरिब्लेम। ये पेरिब्लेम क्या करता है? पेरिब्लेम जो है कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रहा था। एंड थर्ड मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर हमने देखा था प्लीरोम। प्लीरोम किसे बना रहा था? प्लीरोम स्टील को, वैस्कुलर सिलेंडर को बना रहा था। ये किसकी बात की है हमने? ये हमने हिस्ट्रोजन थियरी की बात की। हमने कहा कि हिस्ट्रोजन लेयर थियरी जो है हिस्ट्रोजन थियरी का मॉडिफाइड फॉर्म है। हिस्ट्रोजन थियरी में हमने क्या पढ़ा था? हिस्ट्रोजन थियरी में हमने तीन मेरिस्टेमेटिक जोन्स पढ़े थे। कौन कौन से तीन मेरिस्टेमेटिक जोन? फर्स्ट था डर्मेटोजन, सेकेंड था पेरिब्लेम एंड थर्ड था प्लीरोम, जिसमें से डर्मेटोजन जो है किसे बना रहा था? डर्मेटोजन बना रहा था एपिडर्मिस को। एंड सेकेंड वाला क्या बना रहा था? सेकेंड पेरिब्लेम जो है वो बनाता है कॉर्टेक्स को। किसे? कॉर्टेक्स को बनाता है सेकेंड पेरिब्लेम। एंड थर्ड मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो बना रहा था वैस्कुलर, सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर, स्टील का फॉर्मेशन कर रहा था। हमने कहा हिस्ट्रोजन लेयर थियरी मॉडिफाइड फॉर्म है। किसकी मॉडिफाइड फॉर्म? हिस्ट्रोजन थियरी का मॉडिफाइड फॉर्म है। किसने दी थी? डर्मन ने दी थी। ये कहते क्या है? अकॉर्डिंग टू डर्मन, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर शूट एपेक्स पे तीन हिस्ट्रोजन लेयर प्रेजेंट होती है। क्या? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में
थ्री हिस्ट्रोजन लेयर्स होती है, कितनी? थ्री बेसिक एस्ट्रोजन लेयर्स होती है। ये थ्री बेसिक एस्ट्रोजन लेयर्स है कौन कौन सी? हमने वहाँ पे तीन मेरिस्टेमेटिक जोन्स का नाम ले दिया, डर्मेटोजन, पेरिप्लम एंड प्लीरम। यहाँ पे डर्मन ने इनको तीन बेसिक एस्ट्रोजन लेयर्स का नाम दे दिया। फर्स्ट है L1, सेकेंड है L2 एंड थर्ड है L3। L1 फर्स्ट एस्ट्रोजन लेयर, सेकेंड L2, थर्ड एस्ट्रोजन लेयर कौन सी है? L3, जिसमें से L1 एस्ट्रोजन लेयर जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगी? L1 एस्ट्रोजन लेयर जो है एपिडर्मिस को बनाएगी। किसकी एपिडर्मिस को? शूट प्लांट में स्टेम एंड लीफ की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। कौन सी लेयर? एपिडर्मिस का बनाएगी। एपिडर्मिस को फॉर्म कर रही है किसके? स्टेम की एंड लीफ की एपिडर्मिस को फॉर्म करता है। कौन सा लेयर फॉर्म कर रहा है? L1 लेयर जो है, L1 फर्स्ट एस्ट्रोजन लेयर जो है L1, वो बनाता है एपिडर्मिस को, जो कि किसकी एपिडर्मिस है? स्टेम की या लीफ की एपिडर्मिस को बनाता है। और L2 लेयर क्या बना रही है? L2 लेयर जो है वो बनाती है हाइपोडर्मिस को। किसे? कोर्टेक्स की, अपर मोस्ट कोर्टेक्स हाइपोडर्मिस को बनाता है, हाइपोडर्मिस। L3 लेयर क्या बनाएगी? L3 लेयर जो है स्टील का फॉर्मेशन करती है, वैस्कुलर सिलेंडर, वैस्कुलर टिश्यू कौन बनेगा? वैस्कुलर टिश्यू L3 लेयर बनाएगी। L3 लेयर किसे बना रही है? वैस्क्यूलर टिश्यू को। क्या पढ़ा है एस्ट्रोजन लेयर थ्योरी में हमने? एस्ट्रोजन लेयर थ्योरी में हमने कहा कि डर्मन ने प्रपोज की थी 1947 में। उन्होंने ये थ्योरी है क्या? ये थ्योरी जो है एस्ट्रोजन लेयर थ्योरी की, एस्ट्रोजन लेयर थ्योरी जो है एस्ट्रोजन थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका? एस्ट्रोजन थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आया कि एस्ट्रोजन थ्योरी जो एस्ट्रोजन थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये एस्ट्रोजन थ्योरी प्रपोज किसने की थी? हैंस्टीन ने प्रपोज की थी एस्ट्रोजन थ्योरी। उसका मॉडिफाइड फॉर्म किसने प्रपोज किया है? डर्मन ने प्रपोज किया है, जिसको उसने नाम दिया एस्ट्रोजन लेयर थ्योरी। एस्ट्रोजन लेयर थ्योरी में हमने तीन लेयर्स के बारे में पढ़ा। डर्मन ने एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर तीन बेसिक लेयर्स की बात की। वो तीन बेसिक लेयर कौन कौन सी है? L1, L2 एंड L3। L1 क्या बना रही है? L1 लेयर जो है वो एपिडर्मिस को फॉर्म करती है, L2 लेयर हाइपोडर्मिस को फॉर्म करती है, कुछ प्लांट्स के अंदर ये कोर्टेक्स को बनाती है, और L3 लेयर जो है वैस्क्यूलर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। किसका? L3 लेयर जो है वैस्क्यूलर टिश्यू का फॉर्मेशन करने का काम कर रही है। एस्ट्रोजन लेयर थ्योरी, एस्ट्रोजन लेयर थ्योरी में एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर कितनी लेयर्स बताई? एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर तीन लेयर्स बताई, L1, L2, L3। L1 बनाएगी, जो कि डर्मेटोजन काम कर रहा था एपिडर्मिस का, L1 वही काम कर रही है, एपिडर्मिस को फॉर्म कर रही है। पेरिब्लम किसे बना रहा था? कोर्टेक्स का। L2 लेयर किसे बना रही है? हाइपोडर्मिस को। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या बनाती है? कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है। इनमें कुछ प्लांट्स के अंदर कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है। पेरिब्लम क्या बना रहा था? पेरिब्लम बना रहा था कोर्टेक्स। फिर हमने देखा L3 लेयर के बारे में। ये L3 लेयर क्या थी? L3 लेयर जो थी वो बनाती है वैस्क्यूलर टिश्यू को। एस्ट्रोजन थियरी में भी हमने प्लीरोम के बारे में पढ़ा था कि ये सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करेगी। आज के लेक्चर में हमारा
शूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है कंप्लीट होता है। इसमें हमने शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन की बात की। शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो कहानी पढ़ी है वो हमें समझा क्या रही है, इसकी समरी क्या है। हमने ये देखा था कि शूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन हो कैसे रहा है, जिसमें हमने फोर थियरीज की बात की, एपिकल सेल थियरी, फिर हमने स्ट्रोजन थियरी की बात की, फिर हमने ट्यूनिका कार्पस थियरी और लास्ट आज के लेक्चर में हमने स्ट्रोजन लेयर थियरी की बात की। सबसे पहले स्ट्रोजन, ये शूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ कैसे। पहले ये मत दिया गया था कि एक सेल से कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है या ग्रुप ऑफ सेल से कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या एक सेल से कंप्लीट प्लांट बॉडी बनी है या फिर ग्रुप ऑफ सेल से कंप्लीट प्लांट बॉडी बनी है। एपिकल सेल थियरी जो है वो हमें कहती है कि एक सेल से कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। टेट्राहेड्रल सेल की बात की थी जिसमें हमने कहा कि एपिकल सेल होती है, एपिकल सेल थियरी कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है प्लांट्स की। क्यों कहा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि ये सिंगल सेल जो है कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रही थी। ये एपिकल सेल थियरी जो थी कुछ लोअर प्लांट्स के लिए तो एप्लीकेबल थी। कौन कौन से प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है, एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर एंड लोअर कैटेगरी के टेडोफाइट्स प्लांट्स जो थे उन पर एप्लीकेबल होती है एपिकल सेल थियरी। लेकिन हायर प्लांट्स, हायर टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पर एप्लीकेबल नहीं होती। कौन सी, एपिकल सेल थियरी जो है हायर टेडोफाइट्स पे, जिम्नोस्पर्म पे एंड एंजियोस्पर्म पे लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर ये जो टिपिकल मॉर्फोलॉजी होती है जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, स्टील, एपिडर्मिस, जो भी इतने सारे पार्ट्स होते हैं ये एक सेल से बनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये थियरी जो थी हायर प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुई। फिर हमने बात की सेकेंड थ्योरी हिस्ट्रोजन थियरी की। हिस्ट्रोजन थियरी के अंदर तीन जोन्स का बात की गई थी, तीन मेरिस्टेमेटिक जोन्स की बात की गई थी। फर्स्ट था डर्मेटोजन, सेकेंड था पेरिब्लेम एंड थर्ड था प्लीरोम, जिसमें से डर्मेटोजन जो है वो एपिडर्मिस को बना रहा था। फिर हमने बात की पेरिब्लेम की, पेरिब्लेम किसे बना रहा था, कॉर्टेक्स को। प्लीरोम सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर को बनाता है, स्टील को बनाता है। ये थियरी भी कौन सी, हिस्ट्रोजन थियरी भी हायर प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं थी। किसमें, हायर प्लांट्स के ऊपर स्ट्रोजन थियरी एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं अप्लाई होती, इसलिए नहीं अप्लाई होती क्योंकि हायर प्लांट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर पेरिब्लेम का काम है कॉर्टेक्स को बनाना। कॉर्टेक्स कौन बना रहा है, पेरिब्लेम, मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो कॉर्टेक्स बनाएगा। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर देखा जाता है कि प्लीरोम जो होता है वो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। और हायर प्लांट्स के अंदर ये तीनों मेरिस्टेमेटिक जोन, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम जो है क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। फिर हमने बात की थी थर्ड थियरी ट्यूनिका कार्पस थियरी के बारे में। इसके बारे में, ट्यूनिका कार्पस थियरी के बारे में, ट्यूनिका कार्पस थियरी जो थी वो मोस्ट वैलिड थियरी बताई गई थी। कौन सी, ट्यूनिका कार्पस थियरी जो है शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट वैलिड थियरी बताई गई थी। क्या पढ़ा था ट्यूनिका कार्पस थियरी में हमने, ट्यूनिका कार्पस थियरी में हमने देखा था कि दो मेरिस्टेमेटिक जोन्स होते हैं, अपर मोस्ट को हम ट्यूनिका कह रहे हैं, ट्यूनिका के नीचे प्रेजेंट होगा कार्पस। ट्यूनिका क्या बना रहा था, ट्यूनिका बना रहा था एपिडर्मिस को। एंड कार्पस फॉर्म करता है कॉर्टेक्स एंड स्टील। आज के लेक्चर में हमने बात की है स्ट्रोजन लेयर थियरी की। किसकी, फोर्थ स्ट्रोजन लेयर थियरी। स्ट्रोजन लेयर थियरी हमें क्या कर रही है, स्ट्रोजन लेयर थियरी प्रपोज किसने की थी, डरमन ने प्रपोज की थी। कब, 1947 में।
इन्होंने कहा क्या था, अकॉर्डिंग टू डर्मन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर कितनी थ्री हिस्ट्रोजन लेयर्स प्रेजेंट होती है, कितनी थ्री हिस्ट्रोजन थ्री हिस्ट्रोजन लेयर्स प्रेजेंट होती है। थ्री हिस्ट्रोजन लेयर्स में से कौन कौन से तीन हिस्ट्रोजन लेयर्स, L1 हिस्ट्रोजन लेयर, L1 हिस्ट्रोजन लेयर, L1 हिस्ट्रोजन लेयर क्या बना रही थी, L1 हिस्ट्रोजन लेयर एपिडर्मिस बनाती है। फिर हमने कहा सेकंड कौन सी, L2 हिस्ट्रोजन लेयर प्रेजेंट होती है, ये L2 हिस्ट्रोजन लेयर क्या बना रही थी, हाइपोडर्मिस। एंड थर्ड जो है वो L3 हिस्ट्रोजन लेयर, ये L3 हिस्ट्रोजन लेयर किसका फॉर्मेशन करती है, L3 हिस्ट्रोजन लेयर स्टील का फॉर्मेशन करती है। आई होप आपको ये चारों थियरीज शूट एपिक्स के ऑर्गेनाइजेशन की चारों थियरीज एपिकल सेल थियरी, हिस्ट्रोजन थियरी, ट्यूनिका कार्पस थियरी एंड हिस्ट्रोजन लेयर थियरी समझ आई होगी। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।